महानगर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए किराना कमेटी सहित व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की बैठक एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम सिटी के कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित व्यापार संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में एडीएम सिटी ने कहा कि व्यापारी अपनी दुकानों को रोस्टरवार खोले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, ग्राहक और दुकानदार दोनों लोग मास्क अवश्य लगाए, किसी भी तरह का निर्णय अपने आप ना ले। एडीएम सिटी ने कहा कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन कटिबद्ध है, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपनी दुकानों को समय अनुसार खोलें और बंद करें, जिससे लोगों को सहूलियत मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, लेकिन आप उस आदमी का फोटो खींच के वो आपकी दूरी से आटा 2 किलो खोल के उठा के नहीं देगा, तो आप मेरे गोदाम से 100 शहर में हॉट स्पॉट्स की संख्या बढ़ रही है, इसको ध्यान में रखते हुए व्यापारी मंडल व्यापार मंडल के सम्मानित सदस्यों को यहाँ पर हम लोगों ने बुलाया है और उनसे ये डिस्कस किया है कि सुबह 6 से 10 11 बजे तक अपना जो भी राशन सामग्री संबंधी कार्य है पूर्ण कर लें, तो मार्केट में 11 बजे जब सब लोग और मार्केट में अन्य सामान लेने आते हैं उस समय यहाँ पर भीड़ ना रहे और इस तरह से नियंत्रण किया जा सकता है। और अल्टरनेट दुकान के लिए भी हमने कहा है कि अपने व्यापारी मंडल से बात कर लें कि कुछ दुकानें सोमवार को खुलें, कुछ मंगल को खुलें, इस तरह का भी कोई फैसला जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जा सके उस पर विचार कर लें। तीसरा बिंदु ये डिस्कस किया है कि कोई भी व्यापारी जब तक अपना घर से बाहर है चेहरे से मास्क नहीं हटाएगा और जो उसके कर्मचारी जो उसके मजदूर काम कर रहे हैं उसके साथ में उसके दुकान का सामान गाड़ियों में लोड कराते हैं उन्हें भी मास्क जब तक वो काम पे बाहर रहेंगे अपने घर से उन्हें पहनना आवश्यक करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे ताकि संक्रमण को किसी भी कीमत पे ना फैलने दिया जाए और ऐसी कोई स्थिति ना आए जिससे कि हमें किसी एरिया को लॉकडाउन करना पड़े किसी मंडी को। तो इसी निर्देशों के साथ ये बैठक संपन्न की गई है, उम्मीद है इसका कल से अच्छा नतीजा आएगा वरना फिर कानूनन सख्ती करने के लिए हम लोग को मजबूर होना पड़ेगा। व्यापारियों ने बंदी का ऐलान किया था, उस पर क्या दिशा निर्देश दिए? व्यापारियों ने बंदी का ऐलान हम लोगों से बिना डिस्कशन किए जो भी किया हो, लेकिन वो किसी भी बंदी को किसी भी खाद्य सामग्री को हम लोग जन जन तक पहुँचाने के लिए ऊल पटांग फैसले करने के लिए हम लोग उसका उसे सहमत नहीं देंगे और ना ही ऐसा करने देंगे। संक्रमित संतुलित तौर पर संक्रमण को रोकते हुए खाद्य सामग्री पूरे जनपद के हर व्यक्ति को उपलब्ध हो जाए ये एसेंशियल सप्लाई है, इसे हम लोग मेंटेन रखेंगे।